टॉप न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं दीवार की जान, रेडी मिक्स प्लास्टर, फॉरेन बिल्ट कॉन मिक्स प्लास्टर अब 40 किलो के में भी उपलब्ध। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर क्षेत्र के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता नरेंद्र मेहता ने अपने राजनीतिक करियर में वापसी करते हुए एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने की घोषणा की है। दरअसल पिछले कई महीनों से नरेंद्र मेहता ने अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखा था, जिसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं के आग्रह से एक बार फिर से सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अपने जन्म दिवस के दिन 25 सितंबर 2021 से शुरुआत करने की घोषणा उन्होंने खुद एक पत्रकार परिषद के जरिए मीडिया कर्मियों को दी। पेश है हमारे मीरा भाईंदर के संवाददाता आकृति शुक्ला की खास रिपोर्ट। इस शहर के जनता का बार बार एक निवेदन था, या निवेदन से ज्यादा कि उनका एक प्रेम था, और बार बार मुझे वो कहते थे कि आपको राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहिए। शहर के सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं और उनका विश्वास है मुझ पे कि मैं आऊँगा तो शायद ये फिर काम को गति मिलेगी और शुरुआत होगी, और उन्होंने पिछला मेरा काम देखा हुआ है इसलिए उनकी उम्मीद मुझसे बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता की इच्छा है कि मैं फिर से आपको सक्रिय होना होगा इस पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए। इसके लिए निर्णय लिया कि कल 25 तारीख मेरा जन्मदिन है और उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, तो फिर एक बार इस शहर के लिए जन्म ले रहा हूँ इस शहर को विकसित करने के लिए। आपकी अनुपस्थिति में भाजपा दो गठों में विभाजित हो गई थी, अब भाजपा को आप किस तरह से लेकर चले गए? अब मैं आया हूँ तो कोई गठबंधन रहने वाला नहीं है, और फिर से एक ताकत और एक झंडे के नीचे हम काम करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम किया जाएगा? देखिए, जिला अध्यक्ष तो हमेशा साथ में रहता ही है ना पार्टी के अंदर, ऐसा ही ना, मैं था तब भी जिला अध्यक्ष था, मेरे बाद भी जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष के साथ ही पार्टी काम करती है। लेकिन जो भी काम होगा, जो देश में बना है कार्यालय और जितने भी कार्यालय है, तो काम कहाँ से होगा सर, आप क्या उसको मानते हैं? देखिए, काम करने के लिए आदमी लगते हैं ना, कार्यालय तो कोई भी हो, आपका कार्यालय देखे तो वहाँ से शुरू कर दूंगा, लेकिन वैसे यहाँ पे मेरी ऑफिस के नीचे कार्यालय है तो वहाँ से फिर से जोर से शुरू करूंगा। अब कल से आप एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं और आपके कुछ वरिष्ठ नेता भी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के? वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मैंने लिया है और समय आने पे वो जरूर इस शहर के अंदर आएंगे, नहीं कोई काम निमित्त आएंगे। अब बर्थडे वगैरह के लिए बड़े नेता को बुलाना मुझे उचित नहीं। जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है वरिष्ठ नेताओं ने आपके द्वारा? जिम्मेदारी तो मैं ही कह रहा हूँ कि मैं कल से सक्रिय हो रहा हूँ, अब जब सक्रिय होऊंगा तब वो देंगे, मैं ले ही नहीं रहा था तो वो दे नहीं रहते, और मेरा था ही नहीं तो इस बारे में कोई चर्चा भी कभी नहीं थी। अब कल के बाद ही शुरुआत होगी। पदाधिकारी भाजपा के आपसे दूर हो गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये सिंपली कहा, देखिए अगर मुझसे व्यक्तिगत नाराजगी किसी की है तो उसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से अब भी कहता हूँ, जो है वो सुन भी ले, अगर पार्टी से किसी ने गद्दारी की है और जनता से, जिन जनता ने चुन के दिया, अगर उनसे गद्दारी की है तो उनको मैं जब तक पार्टी में कोई माफी नहीं। मीरा भाईंदर में आपकी नई पारी में भाजपा के अंतर्गत जो गुटबाजी वो खत्म होगी क्या? क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमारे कुछ पदाधिकारी भाजपा के आपसे दूर हो गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये सिंपली कहा, देखिए अगर मुझसे व्यक्तिगत नाराजगी किसी की है तो उसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से अब भी कहता हूं, जो है वो सुन भी ले, अगर पार्टी से किसी ने गद्दारी की है और जनता से, जिन जनता ने चुन के दिया, अगर उनसे गद्दारी की है तो उनको मैं जब तक पार्टी में कोई माफी नहीं। मीरा भाईंदर में आपकी नई पारी में भाजपा के अंतर्गत जो गुटबाजी वो खत्म होगी क्या? क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा परिवार, इतने नगर सेवक, वो कुछ चीजें रहने वाली है, वो रहने वाली है, खत्म करने का हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ये सब चलते रहता है, उससे कोई शहर के डेवलपमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा और संगठन में फर्क नहीं पड़ेगा। सर अभी कई लोग, जो आपका निर्णय था वो सिर्फ कई लोगों का अभी ये मानना है कि सिर्फ एक स्टंट था, आप थे, है और हमेशा रहेंगे। किस बात का स्टंट था? चुनाव था क्या स्टंट लेने के लिए? स्टंट किस बात का था? मैंने, अगर आप मेरा स्पीच सुनेंगे तो अभी भी है, मेरी लाइन आखिरी लाइन सुनिए, मैंने ये कार के राजीनामा दिया था कि मेरी गलतियों के कारण पार्टी क्यों जवाबदार बने, इसके लिए मैं अपने पदों से राजीनामा देता हूँ। मेरा ये तो स्टंट क्या है उसमें, आप समझ के चलिए, काय का स्टंट, एक कोई चुनाव है क्या स्टंट लेके अभी मेरे को सब घर पे मनाने आ रहे हैं? हमेशा सक्रिय रहे, कल में काम हुए,
ठीक है, अगर आपको मौका मिलेगा तो। नहीं नहीं, यही जनता की सोच है, आप समझ। मैंने कहा कि मेरे वापस आने का सबसे बड़ा कारण जो था कि इस शहर की जनता से मैंने पूछा था, लोगों ने भले उसको स्टंट कहा होगा, लेकिन मैं जानना चाहता था कौन है। अब मैं कहेंगे क्या, सक्रिय राजनीति के लिए आपने जनता से जनमत मांगा था मिस कॉल का, क्या रिस्पॉन्स रहा उसमें, कितने लोगों ने कॉल किया? मुझे करीबन 70,000 लोगों ने कॉल किए, उस मतलब कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज सब मिला के 70,000 थे, ये जनता का मुझे रहा। तो आपने अभी एक बात कही कि जिन लोगों ने पार्टी और 70,000 परिवार है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? आपके सबसे चेतावनी है या इसे कैसे आप? नहीं, ये मैंने क्या कहा, ये चेतावनी और कोई कहने की बात नहीं ना, ये स्वाभाविक है ना। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत ऑफिस में भी कोई काम करता है, अगर उसने गलत किया है तो स्वाभाविक है उसका निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से मैंने कहा कि मुझसे क्या क्या उसका कोई फर्क नहीं गिरता, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन पार्टी से गद्दारी और जनता से गद्दारी, जनता से गद्दारी की व्याख्या ये है कि जो विश्वासघात जनता से चुनको दिया था और उस पर वो खरे नहीं उतरे, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों के बारे में निर्णय लेना ही होगा और वो लेंगे। सर मराठी में, मराठी जवाबदारी देंगे, अगर मुझे लगता है कि मैं इसको न्याय दे सकता हूँ और मुझे लगता है कि शहर हित में, तो अवश्य उसको लूंगा।